प्लेन कपड़ा आता है, प्रोसेस सबके पास वही होता है बराबर। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो में फैक्ट्री दिखा देंगे, वो सब दिखा देंगे, बड़े 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 गाला ले लेंगे 20 दुकान का, वो सब मतलब वो सब देखो, उनके पास जो सामान आता है वही सामान हमारे पास भी आता है। सही है बराबर, पर आप खाली रेट देखो। सही है। हाँ, तो खाली वो क्या है, वो दुकान वालों की गलती नहीं, उसमें क्या करते हैं होटल वाले कुछ ऑटो वाले ऐसे, वो लोग क्या करते, खाली ग्राहक को बात में ले लेते हैं, हाँ चलो आपको बड़ी दुकान में लेके जाओ, डायरेक्ट मिल में लेके जाता हूँ, वो लेके जाता हूँ। सही है। पर मिल में तो आप खड़े भी नहीं हो सकते सेठ, तो मिल में कहाँ लेके जाए। सही है। मिल में काम करने वाले बड़े मुश्किल से काम करते हैं। सही बात है। मतलब मिल में जा भी नहीं सकते, और जाएंगे तो भी मतलब आराम कोई से। नहीं, ये सब सेल ऑफिस होते हैं, यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे वैरायटी सबके भाव देखो। सही है। मैं जो क्वालिटी दिखाता हूँ मेरे पास चॉइस करो, मेरे पास सब पूरा लिस्ट ले लो लिख के। आपके मोबाइल आजकल सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, फोटो है, उससे फोटो खींचो ना जो आपने वारंटी लिया, बस कोई आपको दुकान वाला चीटिंग करेगा ही नहीं। सही है। मतलब एक अपने हिसाब से थोड़ी आप तैयारी रखनी पड़ेगी। जो भी क्वालिटी चूज करोगे उसका फोटो खींच लो कि भाई आपने ये वारंटी इस दुकान से चॉइस की थी, सही फिर है। उसके बाद वो दूसरा भेजेगा आपको आइडिया लग जाएगा ना। आइडिया लग रही है। और जो चीटर होगा वो फोटो लेने नहीं देगा सही, नहीं लेने देगा। सही बात है सर कि आपकी। भाई वो तो ये बोलेगा नहीं और हमारे मतलब डिजाइन वहाँ को, पे ये कई सारी ऐसी वो बहाने टर्म्स, बहुत बनाएगा, बहुत बहाने होते, जैसे गोदाम में है ये हाँ जगह गोडाउन भी है है। वो है। पर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ, माल निकाला, आप फोटो भी खींच सकते हो मेरे पास से, और वन वन पीस साथ में ले जाना वन वन पीस साथ में ले जाएंगे। अगर आपको डाउट है तो। सही बात है सर। पार्सल का सब हमारा पार्सल का है, पार्सल ही जाते हैं, आपको दिखा है बाहर, सही है। पार्सल मैंने में अभी दिखा मैं होगा। बाहर देखे थे। बराबर, पार्सल का कोई चार्ज नहीं है, आपके वहाँ पे जो आपकी शॉप पे या घर का जो भी आप एड्रेस दोगे वहाँ पे आने के बाद ही आपको जो खर्चा लगेगा 300 400 सही है। 500 जो भी है और उतना सर यहाँ लगेगा। पे एक मेन क्वेश्चन है कि जैसे कोई यहाँ पे आता है तो कितना परचेसिंग करना पड़ेगा? जैसे अभी क्या है, कई जो नया देखो बिजनेस परचेसिंग स्टार्ट का तो करते हैं। देखो, अभी जो बहुत से लोग बोलते हैं ना फैक्ट्री है, वो उन लोग का अगर जो फैक्ट्री है कोई बोलता है बड़ा, तो उन लोग के पास तो 1-2 लाख से कम लेना भी नहीं चाहिए ना। हाँ सही, बराबर, पर वो बराबर। लोग भी बोलते हैं कि हम 20,000 का 10,000 का दे, तो फिर तेरी फैक्ट्री का है कि भाई। सही बात है। वो बात भी आपकी एक मर्ज करने वाली जैसी बात हो गई सर। हाँ, लेकिन जब तू यहाँ इतना बड़ा आदमी है, फैक्ट्री का ओनर है, तो फिर तू इतना 20-30 हज़ार का धंधा क्यों कर रहा है। सही है, क्योंकि अगर फैक्ट्री में जाएंगे तो आराम से 10-15 लाख का तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, एक लॉजिक होता फैक्ट्री है। तो 1-2 लाख से कम नहीं, फैक्ट्री में होता है 10 लाख 5 लाख, तो उसको हाँ, बोलते हैं फैक्ट्री। उसको फैक्ट्री बोलते हैं। और फैक्ट्री वाला तो सेम, लेता भी नहीं, एक एक वैरायटी का हजार हजार पीस क्वांटिटी उठाता है, हाँ मतलब एक ही कलर का। सही। तो यानी कि मतलब यहाँ से ये फैक्ट्री सब फेक वीडियो जो बनाते हैं उनके लिए है, सही बाकी है। बाकी लोग का ओरिजिनल है। कुछ मतलब लोग सब है ऐसे नहीं है, मतलब सब 100 में वैसे से नहीं है, 4-5 ऐसे है। 500 में से 5 एक ऐसा है जो फैक्ट्री बोल के गिरा को कुछ उतार बनाने का काम है। सही है सर। मैं उसमें के लिए कि मैं के ग्राहक को बोलता, आप आओ मेरा भी वीडियो देखो, मेरा भी रेंज देखो, आप 50 जगह का ट्राई मार लो, वहाँ का भी रेंज देखो जो यानी जित। कि मतलब जैसे अभी मैंने ये देखा सर, टेक्सटाइल का बिजनेस घूमने से मालूम पड़ता है। तो अगर जो कोई व्यापारी यहाँ पे आता है, सभी दुकान अगर चेक करे वन बाय वन, तो उससे थोड़ा मालूम पड़ेगा क्योंकि वन राय। बाय वन चेक भी करने की जरूरत नहीं है, खाली 2-3 दुकान घूमने। फर्स्ट बार तो आप मेरे पास आओगे, मेरा रेट देखोगे और आपको आइडिया ही लग जाएगी कि सही है। मेरा रेट क्या है, और मैं आपको एकदम स्ट्रिक्टली रेट दूंगा बाजार से, क्योंकि तो अपना जो है मिल से ही माल आता है, जो जो सबकी प्रोसेस है वही भी हमारी प्रोसेस है। सही है। बराबर, पर अपन ज़्यादा वो नहीं है, उल्टा मेरा खर्चा कम है, तो मैं उल्टा 10 रुपया कस्टमर को कम दे सकता हूँ। सही है। मतलब ये कॉस्टिंग कम आ सकती है। हाँ, जिसके पास ज़्यादा लेबर है वो सब पैसा कहाँ से आएगा, सही बात है वो तो सर। ग्राहक में जुड़ेगा ना। तो सर अभी आपके थोड़ी प्रोडक्ट्स देखना स्टार्ट करते हैं। तो सर अभी कहाँ से रेंज स्टार्ट करेंगे यार? देखो अपने पास 30-40 वाला नहीं है, हाँ, 60 रुपये का मिनिमम है, 60 रुपये में भी, वो भी नहीं गारंटी, विदाउट गारंटी आएगा। विदाउट गारंटी, थोड़ा पर नॉर्मल उसमें से करना आएगा, पर चीज़ अच्छा आएगा। तो सर मतलब गारंटीज प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? गारंटेड प्रोग्राम फिर 80 रुपये से लेके अस्सी चालू है। रुपये से। ठीक है सर, तो अभी देखना स्टार्ट करते हैं। हाँ ओके, ये देखो ये आएगा बिना ब्लाउज आएगा, 5 मीटर कट आएगा, मिक्स 100 कलर 100 डिजाइन, 5 मीटर कट आएगा, 60 रुपये का आएगा। तो सर यहाँ से अभी जो आप जो दिखा रहे हो, अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट खींच के आपको भेजे तो क्या श्योरिटी यही प्राइस में मिल जाएगा? यही प्राइस में मिल जाएगा, भले एक डिजाइन ये कलर ये डिजाइन ही, पर ये रेट में आपको उसको मिल जाएगा दूसरा कलर सही डिजाइन है। में। तो दोस्तों मैं कहूँगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आज मैं जो आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा सब कुछ A to Z ब्लाउज आएगा, ये भी बिना ब्लाउज का आने ये वाला है। क्या होता है, आप खाली बस ये रेंज में आपको मिल जाएगा, ये जो है बिना ब्लाउज का 70 रुपीज का है। बराबर, इसमें क्या कर, ये जो सैंपल दिखा रहा हूँ ये हो सकता है जो ऑर्डर दे उस टाइम पे ये सेम नहीं रेडी रहे, पर सही है। यही रेंज में आपको दूसरे कलर डिजाइन मिल जाएंगे। ठीक है सर। और सर ये मटेरियल कौन सा आ जाता है जैसे यहाँ पे ये अभी? प्रिंट आइटम बोलते हैं, सिक्वन बेंस, दानी बेंस, रेनियल में उस टाइप सही है। का मिक्स आता मिक्स है। आता है, जो सेट वाइज मटेरियल से वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पर मैं तो एक बात बताता हूँ कि ग्राहक एक बार खाली हमारे पास आओ,
अब जैसे कि बहुत से लोग हैं ना, खाली दलाल के चक्कर में फंस जाते गिराक, फिर बाद में क्या सूरत को डैमेज करते हैं, वो मतलब नहीं। और सब दुकान वाले और सब नहीं, कुछ लोगों की फैक्ट्री है, कुछ की है ही नहीं। बराबर। ये ब्लाउज के साथ है, ब्लाउज पीस के साथ आने वाला है, ब्लाउज के साथ है। 100 रुपीज का है, कॉटन बेस मटेरियल बोलते हैं इसको। सही है सर। और ये मटेरियल कौन सा रहेगा सर? कॉटन मिक्स आता है, कॉटन मिक्स आएगा। 70 के बाद जो होता है ये भी उसी टाइप का है। 100 कलर, 100 डिजाइन, इसमें भी काफी कलर डिजाइन मिलेगा, लाइट डार्क। सही है। ये भी सर मिक्स में आएगा सर? मिक्स में ही आएगा, 80 रुपए का है। यहाँ से मतलब आपका ये मतलब ब्लाउज वाला आएगा। सही है, ब्लाउज वाला आ जाएगा अभी, या 80 तक बिना ब्लाउज। ठीक है सर। तो दूसरे यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी वेराइटीज यहाँ पर आपको प्रिंटेड की मिलने वाली है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी जो मेन जो मैंने अभी सिलेक्ट की वेराइटीज मैं आपको दिखाता हूँ। काफी पूरी वेराइटी, तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत सिलेक्टेड आइटम बताया गई, ये भी इसमें भी ब्लाउज है, 105 रुपया लेस बॉर्डर के साथ, 105 का आने वाला। और दोस्तों मेरे ख्याल से आराम से 200-300 तक इसे बेच सकते, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन आने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, इसमें अलग अलग कलर आ जाएंगे सर? डिजाइन अलग अलग, अलग डिजाइन अलग अलग आएगा। ठीक है, लेस भी अलग अलग आएगा। ये देखो 130 का आएगा, इसमें भी ब्लाउज आएगा, ये ब्लाउज इसका आ गई है। और सर इसका कट कितना आएगा अभी? 6 मीटर कट, 6 मीटर कट आएगा ब्लाउज के साथ, 6 मीटर है, बिना ब्लाउज लेते तो 5 मीटर, 6 मीटर ही आती है। लोग 6.5 मीटर बोलते हैं तो भी वो 6 मीटर ही आती है। सही है, यानी कि 630 कट आता ही नहीं। 630 कट आता है एकदम ब्रांड आइटम में जो अच्छी है, जो 630 का, पर उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है ज्यादा। अगर 630 बोला ना तो उसमें भी पूरा 630 नहीं होता है, वो उसमें भी 10-20 पॉइंट कम ही होता है। सही है। 6 मीटर बोला, ये 6 मीटर में ये 6.25 बोलते है, 6.25। हाँ, तो मैं 6 मीटर ही बोल रहा हूँ, क्लियर ही बोल रहा हूँ, 6 मीटर ही आएगी। ठीक है सर। ये देखो इसमें भी लेस के साथ आएगा, 115 रुपए का, 115 रुपए का आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के यहाँ पर आपको सारी मिलने वाली। एक और देखो, लेस बॉर्डर में मेरे पास बहुत वैरायटीज है। ये देखो अप्रोक्सीमेट कितनी वैरायटीज होगी सर यहाँ पे? बहुत, मेरे पास तो कम से कम 500 वैरायटी से ज्यादा ही होगा। ये देखो पार्टी वेयर टाइप का कुछ कलेक्शन हो गया, जैसे मतलब सिंपल सोबर टाइप का, जैसे कोई भी बता सकता है आपको। मैं आपको पूरा, मैं पूरा खड़े होकर बता दूंगा, ये खाली मैं नॉर्मल एक आपको फॉरवर्डेड कर रहा हूँ। सही है। 135 का है, 135 का आने वाला है। तो सर अभी जैसे आपको तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने भी थोड़ा सब कुछ जेन्युइनली बताया, तो कोई भाई मेरा जो व्यूअर्स है कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कौन से बिजनेस में जाना चाहिए? प्रिंटेड में जाना चाहिए, वर्क साड़ी में जाना चाहिए? देखो नया बिजनेस है तो उसको सभी रखना चाहिए। नया बिजनेस है तो पहले फर्स्ट साड़ी में अगर उसका इंटरेस्ट है कि भाई साड़ी से चालू करना है तो साड़ी में उसको प्रिंटेड भी रखना पड़ेगा, वर्क वाली हेवी साड़ीज भी रखनी पड़ेगी। जैसे वर्क वाली हेवी साड़ीज होती है, सही है, वो आपके पीछे ही है, इस टाइप की रेंज भी रखनी पड़ेगी। बराबर। और प्रिंटेड भी रखनी पड़ेगी। अभी जैसे कि दुकान वाला जो रिटेल दुकान करेगा उसके पास तो सस्ता महंगा सब लेने आएगा। कोई शादी वाला कस्टमर आएगा, उसको कोई बांटने का होगा तो 150 साड़ी वो तो हल्की रेंज वाला ही मांगेगा, तो उसको हल्का भी रखना है और भारी भी रखना है। बराबर। तो दोनों चीज रखेगा तब तो मतलब क्या 30-40 हजार से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है सर? 30-40 हजार से अगर घर में अगर सेलिंग करता है, कोई लेडीज का मन होता है कि भाई मैं एक बार घर से ही चालू करूँ, तो 30 हजार में काफी एक पार्सल बन जाता है। सही है। 30 हजार। और यहाँ पे आके वो आप 10 हजार का लो या 10 लाख का लो, उसका कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ पे आके वो जितना चाहे उतना ले सकते हैं, जितना ले सकते हैं। पार्सल में मोस्टली कैसे होता है कि भाई 10-15 हजार से ऊपर ही हो तो पार्सल बनाने में भी। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग होलसेलर है, हम लोग भी 10-20 हजार का देगी, तो तू बहुत बड़ा होलसेलर है, तू 10-20 हजार का माल दे ही नहीं सकता भाई। सही है, सही बात है आपकी। तो मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर, यहाँ पे आओ, आप आओ, कितने का भी मान लो, कोई इशू नहीं, ताकि हम 10-20 हजार का पार्सल भेजे तो हमको पोसाएगा ही नहीं। सही है। खर्चा पार्सल का 500-600 रुपया लग जाता है, फिर उसमें 10 हजार का माल बेच के क्या मतलब। सही आप डायरेक्टली आओ, फिर डायरेक्टली आप 10 हजार का लो। और हमारा ऐसा है, आप मेरे पास से 100 पीस ले गए तो 80 अगर आपके बिक गए, 20 पीस आप 6 महीने तक चेंज कर सकते। सही, 6 महीने तक चेंज कर सकते। 20% माल चेंज कर देंगे लोग, 6 महीने बोलेंगे, 8 महीने वो घुमा के नहीं। जो 20% आप लेके आओ, 20% आपको कभी भी लाओ चेंज हो जाएगा, कभी भी आ सकते, वहां से भी कर सकते। 6 महीने हो जाए या 7 महीना हो जाए। सही है।
मतलब उसका कोई टाइम पीरियड नहीं, मतलब 7 महीने में भी आ सकते, 6 महीने में भी आ सकते, 20% आपको रिप्लेसमेंट कभी भी हो जाएगी। सही है सर, मतलब यहाँ पे 2 साल बाद भी आवे, पर वो 2 साल बाद लाएगा भाई 50,000 का माल लेके गया और 40,000 का रिटर्न लाएगा तो नहीं होगा। सही है, 20% ही होगा। सही बात है, 50,000 में से उसका ज्यादा से ज्यादा 15-12 हजार का चेंज हो जाएगा। सही है, जो मतलब उसने जो कमाया अगर उसमें कहीं जैसे 10-20 बहुत से लोग क्या होते हैं कि नया दुकान चालू करते हैं, वो तो उनको एक जुनून होता है चालू कर दू भाई, पैसा है तो कोई लोग दुकान चालू कर देते। वो दुकान चालू करने के टाइम पे उनको क्या आइडिया नहीं होती है, नया नया कोई आइडिया लेते नहीं, डायरेक्टली दुकान डाल देते है। फिर महीना 2 महीना हो गया, यार मैंने तो 5 लाख डाल दिया, माल तो बिका नहीं। इसमें टाइम लगता है, टाइम लगता नया है। दुकान वाले को खास करके टाइम लगता है व्यापार, इसमें जितना आप नया नया में जूना पुराना करते रहोगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ता है। धीरज से एक बिजनेस करना चाहिए आपके हिसाब से। धीरे से, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, महीना 2 महीना हुआ यार मेरा तो माल बिका नहीं, आ गए दुकान पे पोटला लेके। सही है भाई, माल बिका नहीं तो उसमें दुकान वाले की क्या गलती है, तुम भी मेहनत करो ना आगे जाके। सही, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी तभी मतलब बिकेगा, वरना तुम मेहनत करो, थोड़ा टाइम लो। दुकान किया तो भाई साल भी लगता है, 6 महीने भी लगता है, आप उसमें माल डालते तो लोग क्या करते, एक बार 5 लाख का माल भर लिया उसके बाद सोचते यार ये तो माल बिक नहीं रहा है, पर बिक नहीं रहा है उसमें थोड़ा और डाल। सही है, कुछ आगे बुला लोगों को, उस हिसाब से बिजनेस सेट होता है। सही है, अपना मार्केट भी थोड़ा करना पड़ेगा अपना एरिया में। एरिया में मार्केट करना पड़ता है, सबको साथ बातचीत करने में और बोलने में भी उसका वो होना चाहिए, मतलब रिलेशन भी एक अच्छा होना चाहिए कस्टमर के साथ। ठीक है सर, इसके बारे में कुछ मेरे उसको बताइए। 140 का पड़ेगा, 140 रुपए का, 140 रुपए का आने वाला है, सब ब्लाउज के साथ आता है। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे प्रिंट आपको दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इतने तो मतलब बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पर आप बटर के लिए कर दे। अभी मैं आपको थोड़ा ज्यादा करके उसके बाद हेवी बता देता हूँ। ठीक है सर, 145 का, 145 का आएगा। अभी हेवी में बता दे प्रिंट में, उसके बाद फिर वर्क से कुछ बता आइडिया के हिसाब से। मेरे पास एक बार कस्टमर में यही बोलता हूँ, एक बार आप यहाँ पे दुकान पे खाली आओ, माल देख के जाओ, आप कुछ नहीं चाय पानी पी के जाओ। सही, एक बार विजिट करके जाओ, विजिट करके जाओ, अपनी वैरायटीज वो देख लो, उसके बाद आपको 2 दुकान घूमनी है, 10 दुकान घूमनी है आप घूम सकते हो। एक बार रिजल्ट देखो, मेरा रेट देखो, क्वालिटी देखो, जो वीडियो में बताने से अच्छा डायरेक्टली आप हाथ लगाएंगे मटेरियल को तो आइडिया लगेगा। या तो मैं डिजाइन दिखा सकता हूँ, डिजाइन दिखा सकते हैं, मटेरियल नहीं दिखा सकते वीडियो में। ये सर 168 रुपए का आने वाला है, 168 का। तो बहुत सारी वेराइटीज मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, जिससे मतलब यहाँ पे वीडियोज में भी टाइम नहीं है। 175 का आने वाला है, बटर के रैप दीजिए फटा दे, ये रहने दे, ये देखो 180 रुपए का आएगा सर। नहीं कि प्रिंटर में आपकी हाई स्कोर्स कहाँ जाएगी? हाई स्कोर्स 300 रुपए तक है, वो दिखा देता हूँ, जो 500 में बिकती है ना वो दिखा देता हूँ। ये जो होते हैं इस टाइप के लोग क्या करते हैं डिजाइन, ये इसमें वो अभी जैसे कि मेरा 180 का है तो बहुत सारे वीडियो में फेक वीडियो जो होते हैं ना वो लोग इसको 140 में दिखा देंगे, मतलब भाई गिरा आ जावे, फिर बाद में दूसरा, फिर उनके साथ चीटिंग होती है, चीटिंग होती है, वो मत देखो। आप आओ मटेरियल लाओ, ये सेम चीज लो, मेरे पास देखो, मेरे पास फोटो खींच लो, एक एक सैंपल लेके जाओ। आप 2 लाख का भी लो या 5 लाख का लो या कितने का भी माल लो। सही है सर, मैं वो नहीं, अगर जो दुकान वाला आपको फोटो निकालने देता, मतलब फोटो नहीं निकालने दिया तो समझ लो उसके मन में जरूर चोर है। चोर है, सही बात है, मतलब फोटो खींचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरे यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो मटेरियल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, 220 रुपए का, 220 रुपए का आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत शानदार यहाँ पे आपको वैरायटीज मिल रही है। देखो जो आपको मैं एंडिंग बता रहा था 300 रुपए का, वो बता देता हूँ प्रिंट में, ये डिजिटल प्रिंट आता है और ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मटेरियल आएगा, बटर प्योर, जो यानी कि मतलब जैसे जितना मतलब चीनी डालो जो है ना वो चीज है वो देखो आपको। सही, इसमें काफी डिजाइन आपको मिलेगी, 50 से 60 डिजाइन मिलेगी इसमें, सिल्क साटन जो देखो आप मटेरियल, आप हाथ लगाओ, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, 300 रुपए का आएगा ये खाली, 300 रुपए का। और दोस्तों अगर कोई यहाँ पे आता तो एक बार इसे ट्राई करके देखना, ये मटेरियल आप सॉफ्ट मटेरियल है, ये प्योर सॉफ्ट मटेरियल है एकदम, मतलब इसमें ये 500-600 में रिटेल में आराम से बिकता है, क्वालिटी मटेरियल है पूरा पूरा, जैसे मटेरियल का पैसा है। अब बहुत से लोग क्या देखेंगे यार प्रिंटेड साड़ी 300 रुपए में, बहुत से डाउट होगा, पर ये मटेरियल जब वो देखेंगे हाथ लगा के तो उनको भी आइडिया होगा कि नहीं, फील आएगा कुछ, ये मटेरियल ऐसा आप ठंडा लगता है, सॉफ्ट मटेरियल है। सही है, और आपको मैं कुछ अभी वर्क का बता देता हूँ, और कैटलॉग में भी है अपना 12 का 6 का सेट आता है कैटलॉग में, जैसे पर साड़ी फोटो उस टाइप की भी रेंज है। सही, रेंज काफी, मैं वैरायटीज दिखा सकता हूँ, पर वैरायटीज देखने से अच्छा है आप मेरे जो मैंने बात बोली है उस पर ज्यादा फोकस ध्यान से देखोगे तो वो
माल तो आप यहाँ पे भी आके देख सकते हो, पर मैंने जो बोला है सही है, उस पर गौर करने जैसा ध्यान रखनी बड़ी बात। आप कोई भी आप होटल करो कुछ भी, उसको कुछ मत बोलो कि मेरे को खरीदी करना है कि कुछ नहीं, पूछेगा भी आपके पास वेटर आएगा, सर आप किस लिए आया क्या लिए, पर उसको इतनी पंचायत, उसका कुछ फायदा होगा तभी वो पंचायत कर रहे हैं ना। तो आज के टाइम में किसी को बोलने का टाइम नहीं है, आजकल सब लोग मोबाइल में बिजी है, मोबाइल में बिजी, किसी को एड्रेस पूछते वो भी नहीं बताते, वो भी नहीं यहाँ पे लेके आते। तो आपको कोई होटल वाला पूछ रहा है, कोई रिक्शा वाला पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसको कुछ फायदा होगा तभी तो वो पूछ रहा है ना। तो आपको कुछ नहीं, जो एड्रेस हमने दिया है, हमारे नंबर दिए, उस पर फोन करो, हम आपको एड्रेस पूरा समझा देगा, फिर भी नहीं समझ में आता है आपको सीधा लड़के को बोलो मैं ये जगह पे खड़ा हूँ, वो लेने आ जाएगा। ठीक है सर। और जैसे सर अभी कई लोग होते जो यहाँ पे सूरत सिंगल आदमी का टेंशन से यहाँ पे 10 रुपए भाड़ा लगता है, स्पेशल ऑटो करोगे 50 रुपए से ऊपर नहीं लगता है। सही है, उसको बोलो भाई हमको स्टाइल मार्केट जाना है, स्पेशल ऑटो करो 50 रुपए लेगा, 50 रुपया सीधा, उसको कुछ मत बोलो, वहाँ पे उतर जाओ, उतर के फोन कर दो। सही है, आप पहले भी आने से पहले ही फोन कर दो, हमारी गाड़ी आएगी कंपनी की, आपको ले जाएगी, छोड़ भी देगी। जो होटल में आप बोलोगे सूरत के कौन, सूरत में कोई भी होटल हो, चाहे स्टेशन रोड में हो या कोई भी आपने अलग कोई भी जगह हो, वहाँ पे आपको लेने के लिए बंदा आ जाएगा। ठीक है सर। तो अभी थोड़ी आपकी वर्क की वेराइटीज देखते हैं। हाँ, वर्क की दिखा देता हूँ। सर अभी जैसे मेन क्वेश्चन ये भी आता है, कई लोग होते जो सूरत नहीं आ सकते, ठीक है 15-20 हज़ार का लेना, सूरत नहीं आते, ऑनलाइन मंगाना चाहे तो सर वो 10 हज़ार का भी, अगर उनको 15-20 हज़ार का भी, मैं बोला अगर उनके लगता है अच्छा मेरी बात और उन मंगा सकते हैं, मैं 10 हज़ार का भी भेज दूंगा बराबर। पर 10 हज़ार से ज़्यादा अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस भाई 1-2 लाख से स्टार्टिंग, अच्छा बिजनेस तभी आपकी दुकान पे वैरायटी होगा। आप 10-5 हज़ार 20 हज़ार से क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे? सही बात है सर। आपको 10-5 हज़ार घर के लिए चाहिए या एक बार ठीक है हम दे देंगे, 10 हज़ार का भी मना नहीं करो, पर 10-5 हज़ार का लेना है 20 हज़ार का लेना तो यहाँ पे आके ले लो ना आप डायरेक्ट, जो जो आपको 4-4 पीस 7-8 निकाल के ले लो। सही है सर। आप खुद डायरेक्टली जैसे कि आपने वो किराना लेना होता है तो आप उन किराने वाले को तो नहीं बोलते ना भाई घर पे छोड़ जाओ। सही है सर। तो वही बोलता है कि 10-20 हज़ार का लेना, आप खुद आ जाओ, ठीक है, आपको वैरायटीज भी देखनी, आपका मन भी समझ। सही, मतलब खुद से मतलब वैरायटीज अगर फील भी कर पाएंगे, वैरायटीज लेने अगर यहाँ पे आ गए तो उनका 10 हज़ार का टारगेट होता है, वो 20-30 हज़ार का भी ले सकते हैं। ठीक है, बराबर ना, उनका एक इच्छा होता है, वैरायटी देखेगा तो अपना आप उसका मन हो जाता है ऐसा। ओके, ये मैंने सैंपल रखा है, इसमें भी काफी मतलब 140 रुपए से रेंज स्टार्ट। सर ये सब कॉटन यहाँ पे सूरत में क्या प्योर कॉटन मिल जाता है किसी को? प्योर कॉटन से उसमें प्योर कॉटन की रेंज हो जाएगी, फिर कॉस्टली ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। मिक्स है अगर 140 रुपए से स्टार्ट, ये देखो 140 रुपए का आएगा। ठीक है सर। तो उसके बाद जैसा कॉटन जैसा रेंज बढ़ेगी वो उतना कॉटन आता रहेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सारा सारा कलेक्शन दिखा दिया, यहाँ पर उम्मीद है आप सभी को भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपका कुछ भी यहाँ पर सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर कॉमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।